तो हम रेडी हो गए हैं और हम सब जा रहे हैं सर्कस में। ये बेटा हैप्पी, इसको हम इसके घर से उठा के लाए हैं। और ये प्रीति कारी है पास्ता से आए। मिन्नी भी तैयार है, सिमी तैयार है और मिन्नी भी तैयार है। हम सब जाएंगे पास्ता नहीं, हम सब जाएंगे सर्कस में। और मेरे पीछे बैठेगा, हम तीन है, तीनों के पीछे तीन तीन एक एक बैठ जाएंगे। पीछे बैठूंगी मैं। और सिम्मी रिस्क लेके मेरे पीछे बैठने की हिम्मत दिखा रही है। थैंक यू सिम्मी, तुझे मैं गिराऊंगी नहीं। ठीक है, मिलते हैं सर्कस में जाके, क्योंकि जयपुर में लगा हुआ है तो बहुत दिन से इच्छा हो रही थी। और फिर मम्मी को शर्म आ रही है क्योंकि मम्मी सोच रही है मैं सुंदर ही लग रही है। अभी तैयार होके नहीं बैठी हूँ मैं। ओके बाय, मिलते हैं सर्कस में। सी यू सुवरीश, तू तो सर्कस। और फिर मेरे को बिठा के लाई हूँ, डर के बैठी है पर बैठ गई। और अब देखा कितनी भीड़ हो रही है। सर्कस, सो दिस इज सर्कस। और इधर भी दो, एक ये मतलब छोटा, हमें लगा कि 5 साल का है, पर टिकट में कोई छूट नहीं मिली। सो अब जा रहे हैं। मैं बहुत दिनों बाद सर्कस आई हूँ और लाइक सो एक्साइटेड। ओए सिम्मी प्रीति, आओ ना सर। हमने यहाँ से सामने से ऑनलाइन टिकट बाय की है, वहाँ बाहर मिल रही है वो ऑफलाइन टिकट है। और मैं बहुत सालों बाद सर्कस देखने आई हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर्कस कैसा लगता होगा, क्योंकि बहुत जब छोटी थी तब आई थी, 5 साल की थी तब। और अब बहुत सालों बाद सर्कस जयपुर में लगता रहता है बट आने का टाइम नहीं मिला। ये सेटअप है, चालू नहीं हुआ है, आधा घंटा पड़ा है। हैप्पी, ये कैसा लग रहा है? जो सीट का सिस्टम है वो मैनेज नहीं है, बिकॉज जब हम बैठे बस रैंडमली सब लोग बैठ रहे हैं और सीटें भी थोड़ी ये प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ हैं, कभी भी कहीं भी बैठ जाओ तो जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही इसमें, कितने वाली है नहीं? मैं आगे बैठ गई, मुझे सीट मिल गई। मिन्नी को अपने पीछे भी सीट मिली है इसलिए वो वहाँ बैठी है। मेरे पास बैठा है मेरा हैप्पी। सेटअप दिखाती हूँ आपको। प्लस ये बना रखा है, इसके अंदर सर सर्कस हो जाएगा जो होना है।
जाली है ना वो खुल गई है और अब दूसरा प्रोग्राम शुरू होएगा। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे तो, सिमी देखो कैसा लगा? सिमी को बहुत मजा आया और सबको मजा आया और हम जा रहे हैं अब कुछ खाने, उसके बाद जाएंगे सीधे घर क्योंकि बहुत गए हैं रात के 10। इसको क्या प्रॉब्लम है, तुझे कैसा लगा? कितना मस्त पता, सबको बहुत अच्छा लगा और हम जाएंगे अब डिनर करने, उसके बाद जाएंगे सीधा घर। इसको अच्छा लगा सिर्फ क्योंकि इसको कुछ नहीं आता। जिसको जो देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है इन लोगों की मेहनत, उसको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सो अब हम आ गए फाइनली घर। सिमी बहुत मुश्किल से मेरे पीछे बैठी डर डर के, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके उसको बिठा लाई। तो डर लगा ना क्या मेरे पीछे? डर लगा कितना लगा? इसको बहुत डर लगा मेरे पीछे, पर मैं अच्छी ड्राइविंग करती हूँ और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना, स्किल्स ही काफी आपकी हुई। और अब हम बस सोएंगे। और इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी। और प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन, जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।